हम लोग का दस्तर लग चुका है खाने का। ये मैंने बनाई हूँ खिचड़ी येलो वाली मूंग दाल की, और ये है देखो सालन, इसको हम लोग कलसनी बोलते हैं कोली लोग, इसको आटा के बोलते हैं ऐसे। जी मैं लेकर आ गई हूँ मेरे लिए मोमोज, वो लोग ने अपने लिए भी लिए, मेरे लिए भी लिए अम्मी के। और गाइस आप लोग सोच रहे हैं मैं सुबह से अकेली अम्मी नहीं दिख रही, क्योंकि अम्मी गए हैं, सुबह भी गए थे। सो गाइस आज मैं ट्राइपॉड फुल वसूल करने वाली हूँ। वो इंडिया कॉल आया था, उनको खाने का कीमा ट्रेन में चाहिए उनके, उन लोग को तो मेरे हाथ का कीमा पसंद है, वही खड़े मसालों का। मैंने इससे पहले भी रेसिपी, यहाँ पर मेरा हो चुका है मसाला रेडी, कीमा रेडी। कुछ में डालती हूँ मैं थोड़ा सा भुना कुटा धनिया भी डालती हूँ, उसको भी मिक्स कर। अम्मी चले अजमेर के लिए माशाल्लाह से, नहीं 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 बोल के उनका हो ही जाता है। लेते गरीब नवाज क्या करूँ, कल तक टिकट, कल तक कुछ था नहीं जाने का। और आज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, शेख सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और गाइस सुबह से उठ के मैं काम ही कर रही हूँ, क्योंकि ईद के दिन से जो इतना घर में मतलब पसारा पसारा हो गया है ना, मतलब ज्वेलरीज पड़ी है यहाँ वहाँ, सब सेट करी, चप्पलें पड़ी है जो निकली हुई थी अंदर से कबर्ड से, नई नई चप्पल पहने थे वो, और फिर मैं खाना भी बनाई बट मैं शूट ही नहीं ली, क्योंकि नहीं मेरे से नहीं हो रहा था, मुझे पहले मैं काम करके हटाऊँ, क्योंकि बहुत हैबत हो रही थी सब पसारे देख देख के। तो मैंने खाना बना दी, मैंने खाने में आज बनाई हूँ बहुत दिन बाद, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ जब से आज लास्ट, मैंने मेरा जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैंने खाई थी झींगे की चटनी, उस दिन से लेके आज मच्छी आई है घर में, क्योंकि मेरे वजह से नहीं आ रही थी मच्छी, झींगा नहीं आ रहा था मेरे ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि झींगा बहुत गर्म आता है ना इस वजह से, तो आज झींगा आया था। तो झींगे की चटनी बनाई, बोमिल का सालन बनाई, बोमिल फ्राई करी हूँ, खिचड़ी बनाई हूँ, हाँ बस। तो अभी मैं जब खाने बैठेंगे तब बताऊँगी, रेसिपी नहीं डाली क्योंकि नहीं हो रहा था मेरे से, मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, और कॉल आ गया तो मैं कॉल पे लग लग के पूरा खाना बना ली। मेरे फ्रेंड्स लोग का ग्रुप कॉल में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो लोग से बात करते करते मेरा पूरा खाना पक गया, मेरा ब्लॉग लेने का मेरे ध्यान से उतर गया। तो खाना बन गया है मेरा सब, अभी अम्मी से बोमिल फ्राई करे, बोमिल को मसाला मैंने मार दी थी, क्योंकि बोमिल फ्राई करने में अम्मी को बोली, क्योंकि मैं बोली तुम बोमिल फ्राई करो, मैं जब तक ये सब रखती हूँ, सब ज्वेलरी अपनी जगह पे, चश्मा ये वो सब यहाँ ऊपर ही पड़ा था, ये डेस्क पे सब पड़ा हुआ था जमा, सब उठा के पलंग पे रखी, अब तुमको दिखाती हूँ मैं। तो देखो गाइस सब, ये देखो ज्वेलरी सब बिखरी पड़ी थी, सब इधर पड़ी है, आधी इधर पड़ी है, मैंने अभी सब डब्बे लेके बैठी हूँ, अब सब डब्बे में रख दूँगी, जो 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 सामान जिसका है सब डब्बे में, जो जिधर का वो डाल दूँगी, फिर आप लोग से मिलती हूँ सब। हम लोग का दस्तर लग चुका है खाने का, ये मैंने बनाई हूँ खिचड़ी येलो वाली मूँग दाल की, और ये है देखो सालन, इसको हम लोग कलसनी बोलते हैं कोली लोग, इसको आटा के बोलते हैं ऐसे। तो मैं बता ही नहीं रेसिपी फिर कभी दूँगी, कच्चे मसाले का बहुत मस्त लगता है, खट्टा खट्टा तीखा तीखा। यहाँ बोमिल अम्मी ने रख के छोड़ दिए थे स्लो आँच पे, तो मस्त क्रंची हो गए, लेकिन जले नहीं अच्छा हुआ। और यहाँ पे बनाई हुई देखो चटनी एक नंबर, और यहाँ खिचड़ी एक ही प्लेट में मेरी अम्मी खा रहे हैं, क्योंकि सारे बर्तन प्लेट धोने में है, तो मेरी अम्मी एक प्लेट में खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी लगाऊंगी मूवी, तो चलो आप लोग भी इंजॉय करो खाना आज, पूरा मच्छी क्या बोलते हैं कोली कोली खाना, मजा आएगी खाने, बहुत दिन बाद, बहुत महीने बाद ना, मैं जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने बाद मच्छी आई है घर में गाइस, तो आओ आप लोग भी खाने। खाने के बाद अब मैं उतर रही हूँ नीचे, मैं जा रही हूँ टेलर के पास, अम्मी के कपड़े लेने हैं, और मेरा भी गाउन देने का है, जो कि क्या बोलते हैं आज दिन बहुत लंबी हो गई, उसको कटवाना है, तो कल पहन ली थी बट अभी मैं जाकर उसको सही करवाती हूँ, मिलती हूँ आने के बाद। गाइस मैं टेलर के पास से जाकर आ गई, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब कुछ भी नहीं करता है मुझसे, अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे चढ़ाना था चावल, जो कि दोपहर में खिचड़ी बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी, रोटी बनाना था बट उससे आटा गूंदने जाता नहीं, आप लोगों को पता है मेरे हाथ की वजह से। मैं मम्मी को कितने बार बोली कि आटा गूंद के दो, आटा गूंद के दो, नहीं सुने, तो फिर मैं अभी चावल चढ़ा दी, ब्रेड का पैकेट रखा हुआ है, थोड़ा सा चावल बनाऊँगी, और दोपहर की जो झींगी चटनी है, थोड़ा सा सालन वो बचा हुआ है, तो मैं और मम्मी दोनों अकेले ही हैं। और नम्मू अभी शाम में आई थी, आप लोग ने उसको ब्लॉग में देखे रहेंगे, वो खाई तो अभी उन लोग का पेट भरा हुआ है, तो उन लोग गए थे गोरेगांव, अभी उन लोग रिटर्न आ रहे हैं, तो फिर उन लोग नहीं खाएंगे, बोले हमारा पेट भरा हुआ है, तो ठीक है मैं अपने हम मेरे और अम्मी के पूरा राइस चढ़ा रही। और यहाँ पर मैं शाम की चाय थोड़ी बची हुई रखी हुई थी, बेस्ट पता हो जाए पी ले रही हूँ मैं थोड़ी सी, अच्छा क्योंकि रमज़ान में मैंने एकदम चाय स्किप कर दी थी, एकदम पी नहीं रही थी, अभी थोड़ी कमी पूरी कर ले रही हूँ चाय पी पी के। और यहाँ पर थोड़ा सा चावल भिगाने रखी हूँ, उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी, दो ओके भीगने रख दे रही हूँ, और मैं पहले चाय पीती हूँ। और अभी बज रहे हैं 10:30, 11:15 होने आ गया है, तो ठीक है बाद में मिलती हूँ आप लोग से।
नीचे क्योंकि नम्मो मेरे को नीचे बुलाई, वो आ चुकी है, मेरे को मोमोज देगी और फिर वो अपने घर चले जाएगी। वो नहीं आ रही है क्योंकि सुबह उसको सर मेरे को जल्दी उठ के काम पे जाना है, इसलिए तो मैं आ गई अभी नीचे। जी मैं लेकर आ गई हूँ मेरे लिए मोमोज, वो लोग ने अपने लिए भी लिए, मेरे लिए भी लिए, अम्मी के और मेरे लिए। वहाँ का गोरेगांव का मोमोज बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए तो मैं जा रही हूँ ऊपर लेकर। क्या मोमोज हम लोग खा रहे हैं। सो गाइस सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ, मैंने चाय चढ़ा दी हूँ। मैं सोच रही ऑमलेट बना लूँ, एक ब्रेड रखा हुआ है खाने के लिए, या फिर चीज़ वाला कुछ बनाऊँगी तो बताऊँगी। ये चाय क्योंकि अभी अम्मी बनाए रहे इसमें, तो इसलिए वो ऐसा लगा बोले गंदी है पति जी। और यहाँ पर देखो पूरा ऐसे ही पड़ा है गद्दा वद्दा, सब सही करती हूँ। तो गाइस ब्रश हो गया है, मैं फेस वॉश भी कर चुकी हूँ और यहाँ से देखो मेरा पूरा क्लीन कर दी हूँ। वो बैग पड़ा है क्योंकि अभी अम्मी जा रहे हैं गाइस, क्या बोलते हैं, अजमेर जा रहे हैं अम्मी, आज ही कर रहे हैं शायद से निकलेंगे, मतलब डामाडोल है थोड़ा टिकट का हो गए, तो इंशाल्लाह वो तैयारी करके रखे, निकलेंगे ना तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए वो क्या बोलते हैं, वो पड़ा है सूटकेस, और उसमें से जो मेरा बुरखा उरखा नम्मो ने नए नए सामान रख दिए सब निकाल के अभी बाहर फेंके, तो अभी उसको भी रखती हूँ। चप्पल ली थी मैं, देखो आप लोगों को तो पता है ये चप्पल जो मैंने ली थी मार्केट से, समीर ने दिलाया था ये चप्पल, अभी मैं बाहर निकाल देती हूँ वरना अंदर रहेगी तो मैं यूज़ करना भूल जाऊँगी। और अभी मैंने ब्रश करी, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ जाके, थोड़ा बैठती हूँ सुकून वाली, मैं बहुत गर्म हो रहा है, फ़ैन ऑन करती हूँ, सुकून से पानी पीती हूँ। आप लोग देखो मेरे को पानी पीते हुए, देखो हाँ और गाइस आप लोग सोच रहे हैं कि मैं सुबह से अकेली हूँ, अम्मी नहीं दिख रही क्योंकि अम्मी गए हैं, सुबह भी गए थे, सुबह नहीं हाँ कल भी गए थे, सॉरी सुबह कल भी गए थे रिपोर्ट करवाने, उनका जो लीवर का प्रॉब्लम है, उनका लीवर फैटी लीवर है उनको, तो उसका उनको प्रॉब्लम है, उनको तकलीफ़ ज़्यादा पड़ गई है, तो डॉक्टर ने बोली टेस्ट कराओ सब, ब्लड टेस्ट वगैरह किडनी का टेस्ट है वो, तो कल भी गए थे बिना नाश्ते के, आज नाश्ता करके गए हैं, तो वो गए हैं ब्लड टेस्ट करवाने, इसलिए मैं अकेली वो अपना नाश्ता, मैं सोई थी जब वो नाश्ता वगैरह कर लिए थे अपना, अंडा ब्रेड ही वो खा लिए, चाय वाय बना के। अब ऐसे एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो यहाँ भी देखो, मैं कल ही मैंने सब हटाई, ये हमेशा रोज़ फैलता है, इसे गुस्सा आती रहा मेरे को, अभी ये भी हटाती हूँ फटाफट। सो गाइज आज मैं ट्राइपॉड फुल वसूल करने वाली हूँ, उतने दिन से वसूल नहीं करी, आज फुल एक ही दिन में वसूल कर लूँगी 500 रुपया। सो मैं अभी आप लोगों को ट्राइपॉड लगा के रखती और दिखाती हूँ, ये भी साफ़ कर देती क्लीन, और इसके बाद चलेंगे हम हमारा मेरा फेवरेट नाश्ता बनाऊंगी मैं, मेरा फेवरेट जो मुझे पसंद है और सभी को मेरे हाथ का वो पसंद है, मतलब बिलाल है, भाई है, सबको पसंद आता है, तो मैं बताती हूँ क्या है। तो आज मैं बनाऊँगी, आप लोग को दिखाऊँगी ट्राइपॉड का फुल यूज़। ₹5। और गाइज आप लोग अभी व्यूज़ मतलब आ नहीं रहे शायद, आप लोग देख नहीं रहे, बोर हो गए क्या हमारे व्लॉग से, ऐसा ना करो प्लीज़, हम लोग को मतलब शेयर करो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा बिना स्किप करो देखो, व्यूज़ कम हो गए हैं, बल्कि जब व्यूज़ आने का टाइम है तो व्यूज़ कम हो गए, प्लीज़ व्यू प्लीज़ देखो, सब जन देखो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और हम लोग को आगे बढ़ाओ गाइज प्लीज़, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, एक साल से मेहनत कर रहे हैं। इसे क्या याद आया आप लोग को बताना, वो जो है ना अफ्रीकन, अब मैं जा रही हूँ इसे कपट में रखने, मेरी अम्मी जहाँ लेते हैं वहीं छोड़ देते हैं, अभी उन्होंने प्रेस करे कपड़ा अला वहीं छोड़ दिए, तब मैं इसको रख देती हूँ अंदर। आप लोग को आवाज़ आ रही है, फैन चालू है तो शायद से खरखर खरखर हो रहा होगा, तो चलो बेडरूम तो हो गया है क्लीन, अब चलते हैं किचन में, क्या है किचन में अभी, हाँ सॉरी ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आप लोगों को, मेरा फेवरेट सबका फेवरेट। सो गाइस अब हम आ गए हैं किचन में, अरे मेरा अंगूठी क्यों पहनी, बट पड़ी थी पहन, जब निकाल देती हूँ, तो अब हम आ गए किचन में, और
चलो लेट्स चलो बनाते हैं अंडा। अंडा मतलब ब्रेड वाला जो अंडा होता है ना, ब्रेड में रख के। मैं अभी चाय मेरी बन गई है, मैंने चाय बंद कर दी है। देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो चाय मेरी हो गई है, तो मैं फटाफट से रेडी करती हूँ, तो फिर आप लोगों को मैं ऐसे फिर सिर्फ मेरे हाथ और रेसिपी दिखेगी, ठीक है? मैं नहीं दिखूंगी मेरी सी। तो गाइस ये हो गया अच्छे से फेंट लिए। अब हम लोग करेंगे गैस ऑन। गाइस ट्राइपॉड सेट करते करते मेरे पसीने छूट गए, मैंने आधा शूट करी, उसके बाद से मैं उसे यहाँ पर तवे के पास बैग से ले रही हूँ। मेरे से हो ही नहीं रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है। खैर मैं ऐसे ही बनाती हूँ और दिखाती रहती हूँ आप लोग को। मैं डाल दी उस पर ऑयल तवे पे, मेरे सॉरी तवे पे, मेरी हालत डाउन हो गई। देखो बहुत था पसीना, फिर वो पोर्स दी, पता नहीं मेरे को शायद से हो नहीं रहा, सेट करने नहीं आ रहा है शायद। मैं भी अभी सीखना पड़ेगा। मैं अभी फ़ोन निकाल के बैक कैमरे से एक हाथ से दिखाती हूँ अभी मैं आगे क्या करती हूँ। ओके नहीं हो रहा मेरे से ट्राइपॉड, वो पूरा फ़ोन गर्म हो जा रहा है और वहाँ पे स्पेस नहीं है रखने, कहीं समझ ही नहीं आ रहा मुझे। गाइस मैंने दो ब्रेड ले ली हूँ, दो ब्रेड काफ़ी है, और मैंने चीज़ भी ले ली, बचा है रमज़ान का, ख़त्म करना है वरना फिर सड़ जाता है, एक साल भर तक पड़े जाता है पता है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोग को। सो गाइस यहाँ पर मैं तवा रख दी हूँ और यहाँ पर अंडा इसमें डाल दूँगी। तेल ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। थोड़ा फैला लेंगे। ऐसे अब इसके ऊपर मैं चीज़ ग्रेट करूँगी। तो गाइस अभी कोशिश करेंगे इसको पलटाने की, बस ब्रेड गिर ना जाए। मैं पलट के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस ये पलटा दिया, अब इसके ऊपर मैं चीज़ अच्छा खासा ग्रेट करके फिर इसको ऐसे बंद कर दूँगी और फिर सेक लूँगी अच्छे से। सो गाइस मैंने चीज़ यहाँ पर डाल दी, मैं यहाँ पर ना गाइस स्लाइस वाला चीज़ डालती हूँ बट नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल रही और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ चिली फ्लेक्स और क्या बोलते हैं उसका नाम भूल गई मैं, पेरी पेरी। तो अब वो है नहीं तो मैं ये सब थोड़ा सा डाल देती हूँ चटकारे के लिए, और थोड़ा सा ओरिगैनो भी डाल देंगे। बस अब इसको पलटा देंगे मस्त में। मेरा थोड़ा अंडा बाहर आ गया है आप लोग को दिखाने के चक्कर में, ये ऐसे अंदर होता है ये देखो, उसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। हाँ सो गाइस ट्राइपॉड पता नहीं क्यों मेरा इतना दिमाग ख़राब कर रहा है। देखो ऐसे स्ट्रेट ही नहीं रहा है, देखो कैसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है मतलब ऐसे स्ट्रेट हो नहीं रहा है। खैर चलो जाने दो, मैं करती हूँ नाश्ता, परेशान हो गई ट्राइपॉड यूज़ करके, अपना हाथ ही सही है। तो आओ आप लोग भी नाश्ता करने के लिए, अभी वो समीर आएगा तो मैं उसको दिखाऊंगी। आप लोग भी बना कर खाओ मजा आएगा। और साथ में मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरी शब्बू आंटी का कॉल आया था, उनको खाने का कीमा ट्रेन में चाहिए उनके उन लोग को, उनको मेरे हाथ का कीमा पसंद है, वही खड़े मसालों का। मैंने इससे पहले भी रेसिपी दी हूँ आप लोग देख सकते हैं पिछले ब्लॉग्स पे,
तो अम्मी भी हेल्प करा रहे क्योंकि लोग एकदम टाइम पे एक डेढ़ बज रहा है ना, अभी निकलना है, टाइम बहुत कम है। तो हाँ हम लोग यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कट करी, अम्मी लहसुन कट कर और सारे गरम मसाले मैं बोली अम्मी फटाफट निकालो, टाइम नहीं है। हाँ बस यहाँ पर मेरा हो चुका है मसाला रेडी, कीमा रेडी। उसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा भुना कुटा धनिया भी डालती हूँ, उसको भी मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और मस्त तीखा तीखा बना है। ये शब्बो आंटी को ना एकदम स्पाइसी पसंद है तो उनके हिसाब से मैंने तीखा बनाई हूँ एकदम। मैं डब्बे में भर दे रही हूँ, डब्बा पैक कर देती हूँ इन लोग का। अम्मी चले अजमेर के लिए माशाल्लाह से, नहीं 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 बोल के उनका हो ही जाता है। लेते गरीब नवाज क्या करूँ, कल तक टिकट, कल तक कुछ था नहीं जाने का और आज मतलब मैंने हम लोग ने ईद में बोले थे उनका जाने का था, बट टिकट्स हुए नहीं थे कल तक, बट अभी हो गया इन लोग का अचानक से। गरीब नवाज मेरे बुलाई लेते मान, चलो संभाल के जाओ। हाँ चलो ध्यान रखो तुम लोग। पैसा हाँ मनी मनी हो रही नहीं ना, देखना वो सर्वर डाउन है। चलो फिर दुआ मांग रही गाइस, हाथ देखो ना बराबर, देखो दुआ हो गई, बस हो गई दुआ। का दुआ मांग रही, का दुआ मांग रही हानी, जल्दी बोल का दुआ मांग रही है। तो गाइस भाभी लोग आए, अभी कल हम लोग जाने वाले रिसोर्ट, जैसे कि नम्मो बोली उसके ब्लॉग में। तो बस अब मैं ब्लॉग यही एंड करूँगी, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। और अभी इसने एक सजदा करी, रुकू करी और अब दुआ मांग रही है। कितना मांगेगा कितना।